बिलासपुर में आयोजित प्रसिद्ध राज्य स्तरीय नलवाड़ी मेले की सांस्कृतिक संध्याओं में नाटी किंग कुलदीप शर्मा के नाम रही। पहली संध्या के दौरान कुलदीप शर्मा ने जोरदार प्रस्तुति देकर पंडाल में मौजूद सभी दर्शकों को झूमने पर मजबूर कर दिया। वहीं कई स्थानीय कलाकारों ने भी एक से बढ़िया एक प्रस्तुति दी। नाटी किंग कुलदीप शर्मा ने कहा कि हिमाचल प्रदेश के मेले एवं त्योहार हमारी प्राचीन संस्कृति के परिचायक हैं। उन्होंने कहा कि इनके संरक्षण संवर्धन के लिए प्रदेश सरकार ने समय समय पर इस तरह के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है, जिसके लिए मेला कमेटियां और जिला प्रशासन प्रशंसा की पात्र हैं। इसके साथ ही उन्होंने युवा पीढ़ी को नशे से दूर रहने की सलाह दी और कहा कि नशा एक अभिशाप है जो मानव जीवन को खोखला कर देता है। इसलिए युवाओं को चाहिए कि वे खेलकूद तथा अन्य गतिविधियों में भाग लेकर अपने जीवन में सकारात्मक कदम उठाएं। विरासत है, उसकी एक धरोहर है मेले और त्योहार यहाँ के, तो क्या संदेश देना चाहेंगे और क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि जो हमारे हिमाचल प्रदेश का जो कल्चर है वो बड़ा रिच कल्चर है। हमारे गाने में, जैसे स्टेज पे भी अभी कहा कि हमारे गानों में इतने अच्छे गाने हैं कि हमारे गाने बॉलीवुड में भी आ रहे हैं, तो आप वहीं से अंदाज़ा लगा सकते हो कि हमारे गानों में बहुत बहुत दम है। तो आने वाले समय में हमारे गाने बॉलीवुड में भी आपको सुनाई देंगे। इसे जिस तरह से आपने अपने करियर की शुरुआत की थी, आज की जो युवा पीढ़ी है नशे के ग्रस्त में कहीं ना कहीं जो धसती जा रही है, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे, किस तरह की गतिविधियों में उनको जो है वो भागीदारी अपनी सुनिश्चित करनी चाहिए? बिल्कुल, मैं ये बात हर मंच में कहता हूँ, क्योंकि नशे की बात वही कर सकता है जो खुद नशा ना करता हो। तो मैं ये मेरी सतगुरु माँ की कृपा है कि आज से 19 साल पहले मैंने जो नशों को मैंने अलविदा कहा, उसके बाद मैं लोगों को भी कहता हूँ कि नशा ना करें, क्योंकि नशे से आदमी बर्बाद ही होता है। जब तक मैं भी नशा करता था, तब तक मेरा एक, जैसे अब मुझे नाटी किंग कहते हैं, रिमिक्स किंग कहते हैं, तब तक कोई नाम नहीं बना था। जब गुरु धारण किया, प्रेरणा वहां से मिली, तो नशा जब छोड़ा, तो उसके बाद ही फिर नाम बनना भी शुरू हुआ। तो मैं युवाओं से, पूरे प्रदेश की और पूरे देश की जनता से यही कहूंगा कि नशा ना करें, नशा मुक्त हिमाचल और नशा मुक्त देश बनाएं। और इस समय में सबसे ज्यादा किसी तरह की कोई आगामी समय में कोई नया गाना लॉन्च करने वाले हैं? हाँ बिल्कुल, अभी मैं पुलवामा शहीदों पे एक मेरा एल्बम आने वाला है, बहुत जल्दी वो अभी रिलीज हो जाएगा।